ऑस्ट्रेलिया में आप किस यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे हो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपकी एप्लीकेशन फीस एब्सोल्युटली जीरो होगी। अब आपका काउंसलर बोलेगा उधर अप्लाई करो जहां एप्लीकेशन फीस जीरो होगी। अब वहां अप्लाई कर दोगे आपका वीजा रिजेक्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर जो आपने आईएलटीएस का खर्चा किया होगा, वीजा का खर्चा किया होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब चीजों का खर्चा किया होगा, चला गया। तो मेक श्योर जब आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हो आप ढंग की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू 10 यूनिवर्सिटीज जिसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वीजा के चांसेस बेस्ट रहेंगे, सेकंड एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बेस्ट रहेंगे, थर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इट इज अ नो ब्रेनर टू गो टू दीज यूनिवर्सिटीज। बट मगर फिर भी अगर आप किसी ऑस्ट्रेलिया के एजेंट की बात सुन के एडमिशन लेने वाले हो ना तो प्लीज स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो क्योंकि आपकी मदद मैं नहीं कर सकता। At number 10, we have Macquarie University, Sydney. Business, Health, Medical Sciences के लिए बहुत ही ज़्यादा amazing university है ये। अब मैंने इसको top 10 में क्यों रखा है? ये G8 में नहीं आती, G8 are best 8 universities of Australia, ये G8 में तो नहीं आती। Since इस university की reputation काफी ज़्यादा अच्छी है, top 130 universities all over the world में भी आती है, तो for a student to get a job after this काफी easier हो जाता है। Sydney in general is a very big economy, for a student to find jobs there is comparatively easier. तो अगर आप field job ढूंढना चाहते हो तो this would be super amazing, specifically अगर आप finance के domain में जाना चाहते हो। आप देखोगे मेरी इस रैंकिंग के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल ईदर बी इन सिडनी और मेलबर्न बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब्स हैं एंड हम लोगों का फाइनल एम जॉब का होना चाहिए। हम सिर्फ पार्ट टाइम काम करने नहीं जाने वाले ना, हम लोगों को ढंग की जॉब चाहिए जिसके बाद हम लोगों का 100,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सैलरी मिले। तो प्लीज अच्छी यूनिवर्सिटी जाना हमारा एक मेन एम रहेगा। आइडियली अगर आप यहाँ से एनालिटिक्स या डेटा साइंस की डिग्री कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है बिकॉज काफी सारे जॉब ऑप्शन इसके बाद अवेलेबल रहेंगे। अब सिडनी की काफी यूनिवर्सिटीज होगी, लेट्स टॉक अबाउट द रीजनल एरिया। अब रीजनल एरिया का बेस्ट चीज क्या होता है, यहां पे आपकी परमानेंट रेजिडेंसीशिप इजीियर होती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसका बेनिफिट क्या होता है, आपको एक साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आप रीजनल एरिया जा रहे हो। थर्ड थिंग, अगर आप किसी मार्केटिंग टाइप कोर्स के लिए भी जा रहे हो ना तो रीजनल एरिया में अगेन पीआर मिलना बहुत ज्यादा इजीियर होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपको ये ऐसे रीजनल एरिया, व्हेन आई से रीजनल ये नहीं मतलब कि वो आप गांव देहात जा रहे हो, बट दीज आर नॉट द टॉप 3 सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। टॉप 3 सिटीज में क्या होता है, ब्रिस्बेन, मेलबर्न एंड सिडनी। अगर आप इन तीन के अलावा कहीं पे भी जा रहे हो तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ पीआर आर वे हायर। एंड इफ यू थिंक अबाउट पर्थ, एडिलेड, दीज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग सिटीज टू गो टू। तो हम लोगों का 8th एंड 7th वुड बी पर्थ एंड एडिलेड। तो 8th पे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, 7th पे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड की वर्ल्ड रैंकिंग इज 89। और अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए जाना चाहोगे जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, या इनफैक्ट जियो साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से कोई भी न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना चाहोगे ना, इट इज वेरी वेल नोन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी रैंकिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स टॉप 15, टॉप 20 में भी आ जाती है फॉर दीज कोर्सेज। तो एडिलेड विद एन इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। ऑन द अदर हैंड, पर्थ में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज रैंक्ड 72 ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया इन जनरल इज डेवलपिंग। ऑस्ट्रेलिया में पहले 3 मेजर सिटीज थी, अब कुछ ही टाइम में पर्थ और एडिलेड भी इसमें ऐड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इटसेल्फ बोलती है हम लोगों को 1,00,000 घर बनाने, 1,00,000 घर बनाने, इतने सारे घर बनाने। इतने सारे घर बनाने के लिए सिविल इंजीनियर्स कहां से आएंगे? एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज दैट यू कैन चूज फॉर सिविल इंजीनियरिंग। एंड ऑस्ट्रेलिया नीड्स अ लॉट ऑफ सिविल इंजीनियर्स, तो दिस कैन बी अ वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वेट, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत सारे काउंसलर्स बहुत सारी घटिया यूनिवर्सिटीज में भी भेजने के लिए पुश करेंगे। प्लीज वहां नहीं जाना, प्लीज आपका एम रहना चाहिए बेस्ट यूनिवर्सिटी जाने के लिए, वहीं से आपके बेस्ट आउटकम्स आने वाले हैं। और अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि आपका टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी, इन टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का प्रोसेस उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भरो, मेरी टीम के साथ टच में हो, वी विल शो यू हाउ टू गेट इनटू दीस टॉप यूनिवर्सिटीज इवन विद एन एवरेज प्रोफाइल। हम लोगों को एक्सपर्टीज है इस चीज में, बट हाँ, हम लोग आपको सिर्फ पैसों के लिए किसी घटिया यूनिवर्सिटी में नहीं भेजने वाले। अब अगर नंबर 6 के बारे में बात करूं तो मैं यूएनएसडब्ल्यू को रखना चाहता हूं। अब अगर आप यहां से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना चाहते हो, वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है यूएनएसडब्ल्यू का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। यूएनएसडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया की टॉप 8 यूनिवर्सिटीज में आता है, जो G8 का है। यूएनएसडब्ल्यू वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज, बट स्टिल यूएनएसडब्ल्यू बहुत सारी रैंकिंग्स के हिसाब से काफी ऊपर होगा। मेरी रैंकिंग के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा पीछे रखा है बिकॉज बाकी यूनिवर्सिटीज इन जनरल आर माय प्रेफरेंस। एट नंबर 5 मैं मोनाश रखना चाहता हूँ। मोनाश मेलबर्न की रैंक 2 यूनिवर्सिटी है एंड काफी ज्यादा सॉर्टेड यूनिवर्सिटी है। अब स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग करने वालों, दैट इज वर्ल्ड रिनाउंड। बट अगर आप यहाँ से कुछ भी और पढ़ो, लॉ पढ़ो, बिजनेस पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, इन जनरल काफी अमेजिंग यूनिवर्सिटी है ये। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आप मेलबर्न जाने वालों खर्चा बहुत होने वाला है। ये चीज सेम सिडनी में भी रहने वाली है। सिडनी में भी आपका लिविंग
लिविंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, मेलबर्न में भी आपका लिविंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। और अगर आपको किसी ने बोला है कि मुराद आप पार्ट टाइम करके पैसा कमा सकते हो, आप यूनिवर्सिटी की फीस भी निकाल सकते हो, ये सारी चीज आपके दिमाग में चल रही है, ऐसा नहीं होने वाला। आप अपना खर्चा निकाल सकते हो, पूरा लिविंग एक्सपेंस निकाल सकते हो। मैं आपके कोई शुगर कोट नहीं करना चाहता चीज, बट जो आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है वो या तो आपको एजुकेशन लोन लेनी पड़ेगी या तो आपको घर वालों से लेनी पड़ेगी, अनलेस आप किसी रीजनल एरिया में जाने वाले हो। रीजनल एरिया में पार्ट टाइम कमा के आप थोड़ी बहुत फीस ले सकते हो। रीजनल एरिया में अगर आपको जॉब मिल गई तो आप थोड़ी बहुत फीस टूवर्ड्स योर ट्यूशन फीस ले जा सकते हो, बट ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि मैं रीजनल एरिया में चले जाऊंगा तो बस मैं पूरा पैसा वहां से निकाल पाऊंगा। ये सिर्फ बकवास बातें जो सिर्फ काउंसलर्स बोलते हैं। एक्ट नंबर 4, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी रहने वाला। इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 19 है, बट इसमें कुछ कोर्सेज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी आपको किस किस कोर्स के लिए जाना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, क्लिनिकल मेडिसिन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ऑनकोलॉजी, सर्जरी एंड सोशल साइंसेज। इन कोर्सेज के लिए यूजुअली काफी ज्यादा मशहूर है। एक्ट नंबर 3 में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड रखना चाहूंगा। अब आप बोलोगे यार मुराद यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की तो वर्ल्ड रैंकिंग 43 है, आप इसको क्यों इधर रख रहे हो? देखो, ब्रिस्बेन इज अ ह्यूज सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, वहां पे काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती है, बट इनफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं जाते। आप इसी लिस्ट में देख लेना, मेलबर्न की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, 3-4 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के बारे में तो मैंने बात ही नहीं की। RMIT हो गया, डीकन हो गया, लैटरोब हो गया, उनके बारे में तो मैंने बात ही नहीं की। सिमिलरली सिडनी में कितनी सारी 3-4 यूनिवर्सिटीज बिकते हो, इसी में बात कर दी। बट ब्रिस्बेन में 1 या 2 अच्छी यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड अमंग्स द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे एक तो बड़ी सिटी हो गई, ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं जा रहे इंटरनेशनल, तो जॉब आप हमेशा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, आप हमेशा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कंपीट कर रहे होते हैं जॉब्स के लिए। मेलबर्न और सिडनी में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, ब्रिस्बेन में कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। एज अ रिजल्ट इट इज इजियर फॉर स्टूडेंट्स टू फाइंड जॉब्स इन ब्रिस्बेन। अब अगर मुझे नंबर 2 और नंबर 1 के बारे में बात करना है, आर्ट नंबर 2 आई वुड कीप ANU, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कैनबेरा में। कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे लोगों को लगता है मेलबर्न एंड सिडनी इज, नो, कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाउ ANU इज बेस्ट फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज के फील्ड्स यूजुअली, बट अगर आप यहाँ से सोशल साइंस या मैनेजमेंट के भी कोर्स करना चाहते हो, आइडियली नॉट दैट बैड, तो ANU इज डेफिनेटली ऑन माई लिस्ट एट नंबर 2। बट एट नंबर 1 इसके बारे में तो सबको पता ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ये वीडियो ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया जाना है एप्लीकेशन में अच्छे, तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, हाँ डिस्क्रिप्शन बस फिल करना है, या तो ये वीडियो देखो।